हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल शर्मा और मैं एक सीएससी होल्डर हूँ जिसको सीएससी वीएलई भी कहते हैं। और आज फिर मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ, एक नोटिस बताने आया हूँ आप सभी को कि मार्केट में अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आपको अपना आयुष्मान भारत कार्ड अपडेट करवाना होगा। ठीक है, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज भी आए हैं इस बात को लेके कि अपडेट करवाना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, आयुष्मान भारत कार्ड अपडेट करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। 4 से 5 साल पहले जब यह स्कीम आई थी तब क्या होता था, जो आयुष्मान कार्ड बनते थे उस टाइम क्या होता था, जो आयुष्मान कार्ड का जो फाइनल प्रिंट होता था, जो कार्ड बन के निकलता था, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक साइज था, यानी कि जो साइज था वो थोड़ा पॉकेट साइज से थोड़ा सा बड़ा था, जिसे आप कह सकते हैं कि आधार कार्ड अपना पॉकेट साइज है, तो वो आधार कार्ड के साइज से थोड़ा सा बड़ा था, जो पॉकेट में नहीं आता था, थोड़ा सा कैरी करने में उसको प्रॉब्लम होती थी ना। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो अभी स्कीम्स आ रही हैं जिसमें अभी नए आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो आयुष्मान कार्ड के जो फाइनल प्रिंट है वो पॉकेट साइज का आ गया, यानी कि आधार कार्ड का साइज का आ गया, जो आप पॉकेट में डाल सकते हो, यानी कि अपने वॉलेट में डाल सकते हो आराम से। सो ये कंप्लीटली पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि आपको ये करवाना ही पड़ेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बहकावे में मत आइए। इसमें क्या होता है, जो दुकान वाले होते हैं या फिर काफ़ी सारे सीएससी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट में अफवाह उड़ाते हैं कि इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक्टिव कराना पड़ेगा, जिसके लोग मार्केट में पैसे लेते हैं। आपको ना तो उसको एक्टिवेट कराने की ज़रूरत है, वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, और जो लगभग लगभग सभी हॉस्पिटल्स में चल चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ना तो वो एक्टिवेट कराने कहीं जाना है ना फिर अपडेट करवाने कहीं जाना है। इससे क्या होता है कि दुकान वालों के पैसे बनते हैं, वो न्यूज़ बनाते हैं और कस्टमर को लगता है कि ठीक है यार, हमें अपडेट कराना होगा, नहीं तो हमारा कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर जो भी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इससे लोगों के सिर्फ पैसे बनते हैं और कस्टमर क्या सोचता है कि यार चल ठीक है, 50-100 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुकान वाले के लिए 50-100 रुपये वाले कोई बड़ी बात, बेशक ना हो कस्टमर के लिए, सॉरी, लेकिन दुकान वाले के बहुत पैसे बनते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही कस्टमर नहीं आता है, समझना इस बात को, एक ही कस्टमर नहीं आता, उसके पास सैकड़ों कस्टमर आते हैं हर रोज और वो पैसे बनाता है। सो जागो ग्राहक, जागो इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको और कोई भी डाउट है इस तरह की कोई स्कीम है, मैं बहुत पुराना वीएलई हूँ, कम से कम 2013-14 से मैं सीएससी होल्डर हूँ, तो आप इस तरह की कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जागो ग्राहक जागो।